बच्चों आज मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो जेईई मेन 2019 में पूछा गया है फंक्शन चैप्टर का। इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी यूज कर लिया गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो द नंबर ऑफ फंक्शन एफ फ्रॉम 1 से लेके पूरा 20 सारे इंटीजर्स ऑन टू दिस सच दैट एफ के इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब ये इसी का मतलब समझना है, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ना ये ठीक है। तो एफ के इज अ मल्टीपल ऑफ 3 वेन एवर के इज द मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, वेन एवर के इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो यहां पर जो मैपिंग की संख्या मतलब इसमें नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं, मतलब कितने तरीकों से आप फंक्शन को डेवलप कर सकते हैं, कितने तरीकों से आप डोमेन के एलिमेंट्स का इमेज बना सकते हैं। देखो इसमें दिया क्या है, फंक्शन में इस फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन दोनों दिए हुए, 1 2 3 4 ऐसा करते हुए 20 तक ये डोमेन है और 1 2 3 4 ऐसा करते हुए पूरा 20 तक ये इसका कोडोमेन है, ठीक है। आपको इधर से इधर मैपिंग करनी है, ऐसी मैपिंग करनी है कि ये ऑन टू मैपिंग हो जाए। तो कितने तरीके से आप मैपिंग कर सकते हो, कितने तरीके से फंक्शन को आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन वाला ये क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसमें एक और दे दिया गया है ना, एफ के इज अ मल्टीपल ऑफ 3 वेन एवर के इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अरे यार इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो, F4 की वैल्यू दिया, मतलब F4, F8, F12 और F16 और F20 के बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो भाई K इज अ मल्टीपल ऑफ 4, K इज अ मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या हुआ कि ये 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, तो ये सब की जो वैल्यू है ये 3 का मल्टीपल, मतलब कि इनकी जो वैल्यू आएगी वो इसमें से आनी चाहिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है। तो ये जो है, ये जो सारे हैं ना, इनकी जो वैल्यूज हैं वो इन्हीं में से आनी चाहिए। देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, तो पहले देखो जब क्वेश्चन आया करे ना तो उसकी एनालिसिस किया करो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप उसको अच्छी तरीके से पहले समझ लो। जब आपको अच्छे समझ में आ जाता है क्वेश्चन तो दिमाग ऑटोमेटिक काम करता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाकर हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर ये जो अंदर लिखा हुआ है ये अगर 4 का मल्टीपल है तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 3 का मल्टीपल होगी। ये नहीं दिया हुआ है कि 4 क्या होगा, बस ये कहा है कि इसकी वैल्यू इन्हीं में से कुछ हो। 3 का मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, 3, 6, 9, 12, 15 और 18, है ना। 21 तो ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि आपका कोडोमेन जो दिया हुआ है यहां पर 20 तक जाके एंड हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो है ना, इनकी जो मैपिंग होनी है वो इन्हीं में होनी है, तो आपको इनकी मैपिंग का ध्यान रखना है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इनकी वैल्यू कहां जाएगी इसका ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से बना के दिखा दें। इसमें दो जो है केसेस बनेंगे, ठीक है। एक तो केस यही है कि आप जो है यहाँ पर 4, 8 और ये 12, ठीक है, और इधर 16 और 20, ठीक है, इनसे जो मैपिंग आएगी है ना, इनसे जो मैपिंग, इन पांचों से जो मैपिंग होगी वो इन्हीं में से किसी एक पर जाएगी, मतलब इनका जो इमेज होगा वो इन्हीं में से कोई होगा, ठीक है। और ऑन टू है तो इधर भी 20 इधर भी 20, तो हर एक का एक से ही जो है रिलेशन होगा, मतलब इमेज जो है हर एक का जो है, जो इमेज होगा यहाँ पर, जो ये इमेज है हर एक इमेज का एक ही प्री इमेज होगा, दो प्री इमेज नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दो हो जाएंगे तो ये फिर सर्जेक्टिव रह नहीं जाएगा, ये ऑन टू रह ही नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर भी 20 है इधर भी 20 है और ऑन टू होना है, तो मतलब हर एक का एक से, ठीक है, उधर जितने भी इमेज हैं उसके दो प्री इमेज नहीं हो सकते। अगर मान लो दो से एक एक की तरफ आ जाएगा तो इधर कुछ ना कुछ बचने लगेगा, और जैसे इधर बचने लगेगा तो भाई जाहिर सी बात है रेंज और कोडोमेन बराबर रह ही नहीं पाएंगे। तो ये इधर 20 नंबर दिए हुए हैं, ये 20 नेचुरल नंबर, इधर 20 नेचुरल नंबर, और आपको मैपिंग की संख्या निकालनी है, कितने फंक्शंस डेवलप किए जा सकते हैं ये निकालना है आपको। और इसमें स्पेशल केस ये दे रखा है कि इसमें जो 4, 8, 12, 16 और 20 है इनकी मैपिंग सिर्फ 3, 6, 9, 12 और 15 और 18 तक जाएगी, 18 पर जाएगी, ठीक है। तो पहले तो इनको हम निपटा लें।
तो देखो फोर के लिए ऑप्शन कितना है, 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के 6 ऑप्शन है फोर के लिए। अगर तुम फोर से एरो बनाना चाहते हो, मतलब ऐसे इमेज दिखाना चाहते हो, तो फोर के पास कितने ऑप्शन हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर 6 चेयर्स हैं और ये 5 गेस्ट हैं, ठीक है, 5 मेहमान हैं, वो जाके कहाँ बैठ जाएं, ठीक है, 6 चेयर है, तो पहला वाला मेहमान जो है, पहला वाला जो गेस्ट है उसके लिए 6 ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि 6 चेयर्स लगी हुई हैं। और फिर दूसरा वाला जो है, मतलब ये जो 8, जब 4 का किसी से रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, तो 8 के लिए कितना ऑप्शन है, 5 ऑप्शन बचा। क्यों 5 ऑप्शन बचा? अरे भाई जैसे मान लो इधर 5 गेस्ट हैं, उधर 6 चेयर्स लगी हुई हैं, ठीक है, तो 4 के पास, पहले हमने कहा 4 जाओ, तुम जाके बैठ जाओ, उसके पास कितने ऑप्शन है, 6, मान लो कहीं बैठ गया, बैठ जाने दो, जब वो बैठ जाए तो फिर 8 को भेजो, तो 8 के पास तो फिर सिर्फ 5 ऑप्शन है ना। जैसे मान लो 4 6 पर जाकर के 4 का जो है रिलेशन 6 से हो गया, 4 का इमेज 6 हो गया, तो अब 8 के लिए क्या ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 ही तो है। अगर 4 9 पे आ जाता तो भी 1 2 3 4 5, 4 जो है 4 से मैपिंग 18 पर आ गई होती, तो 1 2 3 4 5, मतलब कि अगर 4 की मैपिंग हो चुकी है तो 8 की मैपिंग जो है उसके लिए 5 ऑप्शन है, ठीक है। फिर 12 के लिए 4 ऑप्शन बचेंगे, फिर 3 कोई इंगेज्ड हो चुके हैं ना, मतलब 3 पर जो है मैपिंग जा चुकी है, हाँ, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, 4 के लिए तो 6, 8 के लिए 5, 12 के लिए 4, अब 16 के लिए जाहिर सी बात है 3, अब कोई 4 बैठ ही चुके हैं तो 20 के लिए कितना होगा बोलो। अब भाई कोई 4 अगर बैठ ही चुके हैं तो 20 के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे ना, ठीक है, तो यहाँ पे 2। हम ऐसा कर लें, या हमने तुम लोगों को एक फार्मूला बताया था इसके पिछले लेक्चर में, नंबर ऑफ 1 1, मेनी 1, इनटू ऑन टू फंक्शंस में, तो उसमें मैंने आपको बताया था इधर 6 है और इधर जो है, अगर आपके पास जो है 5 एलिमेंट्स हैं तो ये 6P5 के बराबर नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग होगी, तो 6P5 कह लो या हर एक को भेज लो, ठीक है। तो फिलहाल कुल मिलाकर के ये कितना आया, 6 फैक्टोरियल ही आया एट द लास्ट, भाई 1 का तो कोई मतलब नहीं इधर, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 फैक्टोरियल बराबर 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये कहने का कि ये जो 4, 8, 12, 16 और 20 हैं, इनकी जो मैपिंग की जा सकती है ये 6 फैक्टोरियल तरीके से की जा सकती है, मतलब कि इसमें जो 5 नंबर्स हैं ना, 4, 8, 12, 16 और 20, उनकी जो मैपिंग है उसको करने का तरीका कितना है, 6 फैक्टोरियल। समझ में आ रही बात? अब आपके पास एक और काम बचा, इनमें से आपने 5 की मैपिंग तो कर ली भाई, इनमें से जो 5 हैं उन वो सिर्फ 6 जगहों पे जा सकते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 6P5 बराबर 6 फैक्टोरियल, तो इसमें से 5 एलिमेंट्स जो हैं उनकी मैपिंग हो चुकी है 6 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 5 हो गए तो अब इसमें कितने बचे होंगे, 15। भाई इसमें कोई 15 एलिमेंट बचे हैं ना, वो 15 कौन है, इनको छोड़ करके भाई 1 से लेके 20 तक के सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं उनमें 4 8 12 16 और 20 हटा लो, क्योंकि इनकी मैपिंग तो हो गई है 6 फैक्टोरियल तरीके से। तो अब इसमें जो 15 बचे हुए वो इधर के किसी 15 के पास जाएंगे, मतलब अब इधर 15 बच गए और इधर 15 एलिमेंट बच गए। अरे भाई ये 5 किसी 5 के पास गए होंगे ना, कोई एक तो अभी बच गया होगा भाई, ये 5 की जो मैपिंग हुई होगी वो किसी 5 पर गई होगी, तो एक तो बच गया होगा ना, तो इधर के 5 इंगेज हो गए, इधर के 5 इंगेज हो गए, कुल मिलाकर के जो है 5 का काम तो हो गया। अब 15 बचे, उधर 15 बचे, 15 15, तो 15 की मैपिंग उधर 15 से करनी, तो पहले वाले के लिए ऑप्शन 15 है, दूसरे के लिए 14 है, तीसरे के लिए 13 है, ऐसे करते हुए भाई इधर 15 उधर 15, तो 15 का 15 से ऑन टू मैपिंग की संख्या कितनी होगी, 15 फैक्टोरियल होगी। समझ में आ रही बात, ये 15 फैक्टोरियल, ये समझ में आ गया कि नहीं आपको। पहले तो यहां इधर के जो ये 5 थे उनकी मैपिंग कर लिया 6 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है, और फिर उसके बाद, और ये 6 फैक्टोरियल कैसे आया, 6 5 4 3 2 से आया, चूंकि 1 की यहां पे 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 फैक्टोरियल के बराबर बाय डिफॉल्ट आ जा रहा है, इसलिए 6 फैक्टोरियल लिख दिया, इनमें से कोई एक बच जा रहा होगा, ठीक है। तो अंत में हम ये समझ पाते हैं कि यहां पर इधर के जो 5 एलिमेंट हैं उन 5ों का उधर के 5 से संबंध हो चुका है, रिलेशन हो चुका है, मैपिंग हो चुकी है।
अब उसके बाद इधर 15 बचे होंगे, इधर 15 बचे होंगे, 15 का 15 से जो है रिलेशन या मैपिंग या फंक्शंस कितने तरीके से बना सकते हो, तो हर मतलब कि इधर 15 है उधर 15 है, तो इधर जो पहला उठाओगे उसके लिए 15 ऑप्शन है, दूसरे के लिए 14 ऑप्शन है, तीसरे के लिए 13 ऑप्शन है, चौथे के लिए 12 ऑप्शन है, ऐसे करते करते 15 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है जो यहां पे दिया हुआ ना, एफ के इज अ मल्टीपल ऑफ 3 व्हेन एवर के इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो पहले इसको सॉल्व किया जो ये स्पेशल चीज दिया हुआ है, और फिर जो बचा हुआ है उस पर अपना सिंपल सा रूल लगा दिया, नंबर ऑफ 1 मेनी 1 इनटू 1 2 फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका यूज करके वो निकाल लिया। ठीक है, तो ये चीज हुआ इसके लिए, जो बचा हुआ था उसके लिए ये हुआ। तो कुल मिला कौन सा ऑप्शन है, ये वाला आंसर सही हो गया। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, देखो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन और 1-1 फंक्शन और मेनी 1 फंक्शन के लिए हम लोग खूब पढ़ाई करते हैं, मगर एग्जामिनर के मन में होता है ना कि थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दो, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा और टेक्निकल बना दो। जब क्वेश्चन को थोड़ा सा और टेक्निकल बना, तो यही सब काम करते हैं। और ये सब क्या है, कुछ नहीं है, थोड़ी सी एनालिसिस करो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन देख करके घबराना कभी नहीं है, क्वेश्चन को देख करके एनालिसिस करनी है कि क्या कहा जा रहा है और कहा क्या जा रहा है यार, ट्वेल्थ पास बच्चों के लिए या ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए क्या कहा जाएगा यार, कितनी बड़ी बात कह दी जाएगी, छोटी छोटी बात कहेगी। जैसे आपसे कहा जाए केजी वाले बच्चों के लिए कोई पेपर बनाओ, तो तुम क्या दोगे यार, उसमें एडवांस लेवल क्वेश्चन थोड़ा ना दे दोगे, तुम तो केजी वाले बच्चों के लिए केजी वाला क्वेश्चन दोगे, क्लास फिफ्थ के लिए तो क्लास फिफ्थ के लेवल पे क्वेश्चन दोगे। तो वैसे ही आपके लिए वो जो एग्जामिनर है ना, वो आपके लेवल पे क्वेश्चन देते हैं, ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसको आप समझ भी सको। ठीक है, जो नॉर्मल बच्चे हैं समझ लें, तो ये चीज है। तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, ये सब चीजों को आसानी से एनालिसिस कर लिया करो। ठीक है, चलो बच्चों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।